सवाई माधोपुर से कांग्रेस के विधायक रहे अलाउद्दीन आजाद के बेटे अजीज आजाद ने आज कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पीसीसी सचिव रह चुके अजीज आजाद ने सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में टिकट की मांग भी की थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर आजाद ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। इसके बाद समर्थकों के साथ आजाद ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आजाद ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर वार किया। वर्षों से संगठन में जिस तरह से जो हालात चल रहे थे, जिस तरह से सरकार में नियुक्तियां दी गई, वो बिल्कुल भी ऐसे लोग नहीं थे जो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात हो या कहीं और की बात हो। इसलिए जिस तरह से स्थानीय एमएलए द्वारा जनता के साथ संवाद बिल्कुल नहीं किया गया और राजाओं राजतंत्र जैसा व्यवहार करके और अपने फार्म हाउस का दरवाज़ा बंद करके जनता को घंटों प्रतीक्षा करवाने का जो नीति अपनाई गई, वो बिल्कुल लोकतंत्र नहीं, वो राजतंत्र की बात है। जो कांग्रेसी विचारधारा, कांग्रेस तो 130 साल से राजतंत्र से लड़ रही है, अगर ये वापस इसी तरह की परिपाटी शुरू की जाती है तो मेरे हिसाब से कांग्रेस राजतंत्र की तरफ। चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने टिकट कटने की आशंका के चलते कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय मैदान में उतरूंगा। जड़ावत ने कहा कि भारी प्रत्याशी को टिकट देने पर कांग्रेस की सीट खटाई में पड़ जाएगी। हम आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, डोटासरा साहब का, रंधावा साहब का, आदरणीय खड़गे साहब का, राहुल जी का, सोनिया जी का हम इंतजार करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप वो चित्तौड़ के अंदर जो आपका भावना उसके अनुरूप टिकट दे दे। अगर टिकट नहीं आता है तो फिर मैं आपके साथ हूँ। हम 6 तारीख को 1 बजे तक पार्टी के सिंबल का इंतजार करेंगे। मेरा संसार में कोई नहीं है, मेरी जाति के 20 वोटर, मेरे 2 बेटे, इसके अलावा मेरा परिवार आप हो, ये मैंने आपको बता दिया। भरतपुर के नदबई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष सहित 30 से ज्यादा पार्षदों ने भाजपा प्रत्याशी जगत सिंह का समर्थन किया। भाजपा प्रत्याशी जगत सिंह का माला और साफा पहनाकर कांग्रेस के पार्षद सहित कांग्रेस की पालिका अध्यक्ष ने अपना समर्थन दिया और कहा कि 5 साल में जो प्रताड़ना हुई है उसी के कारण अब भाजपा प्रत्याशी को समर्थन करना पड़ा है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के यहाँ से विधायक रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के पार्षद प्रताड़ित रहे और उसी के कारण आज उन्होंने समर्थन दिया है। पहले चेयरमैन साहब को और यहाँ समस्त सारे पार्षद भाइयों को और चेयरमैन साहिबा को, जिसके के चेयरमैन तो नहीं, चेयरमैन साहिबा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने मेरा यहाँ अभिनंदन किया और मुझे समर्थन दिया। अब चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे आप कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारा सबका लक्ष्य एक ही है। यहाँ वो लक्ष्य ये है कि हम अपने कस्बे को कैसे विकसित करें, हम अपने कस्बे को कैसे चमकाएं और हम अपने कस्बे को अपने नक्शे पे कैसे लाएं। अलवर के कठुमर में भतीजे ने अपनी ही चाची की चाकू से हमला कर हत्या कर दिया। आरोपी मृतका का रिश्ते में भतीजा लगता है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अवैध संबंधों के चलते हत्या करने की बात सामने आई है। मृतका का पति गुड़गांव में मजदूरी करता है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है। घटना है इसमें जो आरोपी है उसने अपनी सगी चाची और एक मोहल्ले का लड़का और है उनको चाकुओं से मार दी है, जिस पर जो चाची है उनकी मृत्यु हो गई है। अस्पताल में डेड बॉडी रखी हुई है, घर वाले भी आ चुके हैं, पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया जाएगा। जो आरोपी है उसको भी डिटेन कर लिया गया है अनुसंधान। शाहपुरा में उपचार के लिए एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल जा रही बीमार महिला की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।
इसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही के चलते एम्बुलेंस में देरी से आने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। साथ ही एम्बुलेंस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत हसन खान निवासी सुमित्रा यादव के गले से बाइक सवार बदमाश चैन तोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि उनके सोने की चैन 1.5 तोले की थी। घटना के बाद पीड़िता ने शिवाजी थाना पार्क पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। यादव है और मैं 4:45 बजे घूमने के लिए निकलती हूँ शाम को, तो मैं शालीमार नगर से घूम के वापिस फाटक से होते हुए हसन खां में एंटर कर रही थी, तभी एक लड़का पीछे से आया और मेरे गले पे झपट्टा मार के चैन खींची और भाग गया। दो बाइक लेके पीछे खड़े थे। अलवर के मुंडावर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट अखिलेश कौशिक ने चुनाव आयोग से ततारपुर थानाधिकारी सीमा सिंसिनवार के खिलाफ शिकायत करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के साथ कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुंडावर रिटर्निंग अधिकारी के साथ ज्ञापन सौंपा। साथ ही अधिकारी को शीघ्र ही पद से नहीं हटाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। ततारपुर एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, आए दिन शिकायत आ रही है। कभी ततारपुर चौराहे पर जब भी कोई सभ्य आदमी वहाँ रहते हैं तो उनके ऊपर वो पुलिस का डठोरा चलाती है। एक दिन एक शिकायत आई सोरखा कला से कि एक 90 वर्ष की महिला के थप्पड़ मार रही है, तो उसको बार बार हम ये कह रहे थे कि मैडम किसी कार्यकर्ता पार्टी विशेष की कार्यकर्ता मत बनो, आप सचो चुनाव सिर पे हैं। झुंझुनू में हवाई पट्टी के नजदीक रेलवे लाइन के पास मौजूद झुग्गी झोंपड़ी में आग लगने से नकदी समेत कई घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से बस्ती में अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान झोंपड़ी में सो रहे लोग बाल बाल बच गए। बस्ती के लोगों ने पानी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर हवाई पट्टी के सहारे जो है वो आग लग गई। और जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके में एक युवक के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया, जहां कुछ बदमाशों ने युवक का तेल से मुंह काला कर दिया और फिर उसे बाजार में घुमाया। साथ ही युवक का वीडियो भी बनाया गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने 15 से 20 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 11 नए मरीजों का मामला सामने आया। कोचिंग नगरी में डेंगू का डरावना आंकड़ा 840 तक पहुंच चुका है। डेंगू के चलते संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों की भीड़ देखी जा रही है। डेंगू की रोकथाम के लिए अब कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और शहर के अलग अलग इलाकों में काढ़ा वितरण कैंप लगाकर लोगों को डेंगू की रोकथाम की समझाइश कर रही है। विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोटा जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में कुल 1455 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें से 728 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए कैमरे से
पैनी निगाह रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि वेबकास्टिंग के जरिए दूर दराज स्थित मतदान केंद्र की हर गतिविधि पर जिला मुख्यालय से नजर रखी जा सकेगी। पच्चीस नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के सभी 6 विधानसभा में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का प्रशासन के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और आमजन को भयमुक्त होकर मतदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही जिला एसपी ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान अब तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी सहित 10 करोड़ रुपए के नार्को और अन्य मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। ये जितने भी वल्नरेबल पॉकेट्स हैं उस सब के अंदर रिटर्निंग अधिकारी तो जाएंगे ही, एसडीएम साहब तो जाएंगे ही, उनके संबंधित सीओ तो जाएंगे ही। मैंने और एसपी साहब ने भी हमारे अभी जो गंगानगर जिले के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अंदर हम लोगों ने ज्वाइंट विजिट कर लिया है। हर एक वल्नरेबल से हम बात कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, किसी प्रकार के डराने धमकाने की स्थिति ना रहे, उसके लिए सबको मोटिवेट किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई अगर ऐसी खबर आती तो हमारे को बताएं। उनके साथ एक लिंक कार्मिक लगाए गए हैं, लिंक हमारे पुलिस के जो भी संबंधित थानाधिकारी हैं वो रहेंगे और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उस दिन वो वोट डालें। तो वो प्रक्रिया अब और जब से हमारे नोटिफिकेशन हुआ है उसे और बढ़ा दी गई है और SST टीम्स जो हैं वो फील्ड में लगाई गई हैं। इसके साथ साथ हमारी जो BSF की कंपनियां हैं जो हमें CPMF के रूप में अलॉट हुई उनको भी हमने इसमें यूज़ किया है। ये खबर जैसलमेर से, जहां मोहनगढ़ में एक युवक का मुंह काला करके बाजार में घुमाया गया, साथ ही युवक को जमकर पीटा भी गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने बाइक चोरी की थी जिसके बाद राजीनामा भी हो गया था, लेकिन बाइक मालिक पर चोर को पीटने और मुंह काला करके बाजार में घुमाने का आरोप लगाया। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने युवक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया था।